मंदिर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आदिकर्ता प्रभु की। अरे वो तो ठनठन गोपाल है भैया, वो कहां से मंदिर बनाएगा? वो अपना जाएगा, माला करेगा, सो जाएगा अपना शिला की पूजा करके, है कि नहीं? ये आप सबका काम है। ये मंदिर समाज के लिए बन रहा है, समाज के लिए, ताकि लोग आएंगे, बैठेंगे, अटेंड करेंगे क्लास, तो उनका मन पवित्र होगा, इसलिए बनाया जाता है। तो समझना चाहिए, अगर समाज में आग फैलेगी तो आपका घर जलेगा, आज या कल वो आग आपके घर को भी जलाएगी। ये मत सोचिए ठीक है अभी तो उसका घर जल रहा है, हमको क्या प्रॉब्लम है, नहीं, वो आग फैलते 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 एक दिन आपके घर पहुंच जाएगी। आपके घर पहुंचेगी, ओनली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो समस्या को पहले देख भाप लेता है, प्रोएक्टिव इसको कहते हैं, पहले से ही वो सोचता है, इससे पहले कि मेरे दरवाजे पे समस्या पहुंचे, दूर है तभी उसको समाप्त कर दो, है कि नहीं? उसके लिए प्रयास करता है। तो आप अपने फैमिली बजट में कितना पैसा रखते हो सत्संग की व्यवस्था करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा, घर बनाने के लिए इतना पैसा, गाड़ी खरीदने के लिए इतना पैसा, सब प्लानिंग करते हैं ना कि नहीं करते? गृहस्थ लोग करते, बेटे का विवाह करना है इतना पैसा, बेटी के विवाह के लिए इतना पैसा, सत्संग के लिए कितना पैसा, कितना है बजट बताइए आप, उसी में बात करेंगे। है 10% पक्का? नाम नोट करो, 1 पैसा भी नहीं रखते लोग। उल्टे अगर साधु पहुंच जाता है, दान दो, बोलते हैं तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या, भिख मंगा कहीं का, खुद तो कुछ करता नहीं है, है? समाज पर बोझ बन के बैठा है, हम सब का कमाया हुआ पैसा भी खत्म करेगा, है? उसको जा रहा है समझाने के लिए कि 2 पैसा मंदिर बनाएंगे, प्रचार करेंगे, नहीं समझते, नहीं समझते, कुछ बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो चुका है बुद्धि, कलौ नष्ट दृशाम एषाम, कलयुग में बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि उल्टी चलेगी। उनके फायदे का बात करो तो उनको गुस्सा आएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम।